भाग्यश्री तू इतने अड्डे लेती है ना, पंगे लेती है। पंगा लोगे नहीं तो कुछ समझेगा कैसा, पंगा लेना जरूरी है। और फिर पंगा लो और फिर वहां से कड़क जवाब आ गया तो नहीं आता, फिर दंगा नहीं होगा क्या? पंगा लोगे तो दंगा होगा। और दंगे में कौन जीतेगा? ऑब्वियसली मैं जीतूंगी, भारी भक्कम इंसान। तूने उस बार क्या बोला था, डायनासोर? डायनासोर वो डायनासोर चले गए और स्पेशली मुझे छोड़ा। हाँ उनकी कमी महसूस ना हो इसलिए उन्होंने मुझे। यकीन कर कोई कमी नहीं महसूस हो रही डायनासोर की, क्योंकि तू है ना हाइट में साइज में और छोटा, और छोटा डायनासोर मैं है ना। सबसे बड़ी डायनासोर तू है इस घर में और सेकंड मैं हूँ इसमें। आप सेकंड हो, बाकी सब चीज में आप। ओह सो स्वीट, बाकी सब में मैं फर्स्ट। नहीं मेरे से ज्यादा हंसी अब तेरी है ना। हाँ आपसे वर्ल्ड में कोई कर ही नहीं सकता, ये तो मैं पक्का वादे के साथ बोल सकती हूँ। और अब मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा हंसाने वाला अभी तू है। थैंक यू, लव यू। ये किचन का क्या हाल हो रखा है? ओके आई एम गोना लीव यू। क्या क्या कॉपी करेंगे? जैसे मतलब हम लोग रहते हैं तो हंसी खुशी से काम व्यूम करके मिलजुल के वैसे तो अच्छी बात है ना भाग्यश्री, है ना? लोगों को बहुत अच्छा मतलब ये मिला है ना कि वो कैसे रहना है, कैसे करना है, किसको समझना है, किसके साथ कैसे बात करनी है, क्या ये सब सबको समझ आई होगी और सब ये कर रहे भी, कोशिश भी कर रहे होगी। हाँ। कि मेरी क्यूट सी मैडम भाग्यश्री सीखो इनसे कुछ तो। लेकिन पता है रिश्ता ना बनाने से बनता है, थोड़ा वक्त लगता है बनने में, थोड़ा सा वक्त लगता है। अभी कितना मुझे तीन साल पूरे होने आए। हाँ यहाँ पे घर में काम कर रही हूँ। लेकिन रहते हुए तुझे सिर्फ एक महीना लॉकडाउन से पांच दिन पहले क्योंकि 15 मार्च को आई हूँ। हाँ 15 मार्च को आई हूँ। लेकिन उससे पहले 3 साल हो गए ना। उससे पहले फिर हाँ दिन भर रहती थी, शाम को घर पे जाती थी। हाँ शाम को घर पे जाती थी, वो भी मेरा दिन कैसे कट जाता समझ में नहीं आता, बस रात का ही सवाल रहता था। तो वो भी ऐसे काम में करके काम कर जाती थी। और यहाँ पे आने के बाद तो मेरे को तो अभी समझ में आता कि संडे कब है और मंडे कब है, सब दिन मेरे लिए ना एक ऐसे। पर लॉकडाउन में सबके साथ ऐसे ही हो गया, सबके साथ ऐसे। पर अरे अपना लॉकडाउन वो स्पेशल, एकदम स्पेशल, इसका भी नहीं होगा इतना अपना स्पेशल है। और तेरा बर्थडे बहुत स्पेशल था, तुझे पता है कि 2000 से ज्यादा लोगों ने बर्थडे विश किया तेरे को। थैंक यू, शुक्रिया। आप आभारी हो। मैंने सारे मैसेजेस पढ़े, कईयों के जवाब भी दिए तेरी तरफ से, थैंक यू बोला और लाइक किया इतने सारे मैसेजेस, लेकिन इतने सारे थे कि मैं सबको कैसे जवाब देती। बहुत सारे हाँ लोगों को लगता बस वीडियो ही मैं पोस्ट करती रहूं और जवाब ही देती रहूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल एक दो मिनट का तो वीडियो उतना ही टाइम निकलता है, फिर बाद में तो बाकी के सब तो रहते ही काम करते, थोड़ी की पड़े रहते तो लोगों को ऐसे लगता होगा ना कि सब काम भाग्यश्री करती होगी और ये लोग कुछ नहीं। पर मैं बताती हूँ कि मेरे सर मैडम और मेरे भैया और सब वो भी सब मिलके हम काम करते हैं, अकेले काम नहीं करते। पता अच्छा दूसरी बात लोग पूछते हैं कि वीडियो में जब भी दिखाते हो तो ये भाग्यश्री काम ही करती रहती है सिर्फ। कौन बोला? मतलब जो कुछ काफी सारे लोग कमेंट करते हैं शी इज ऑलवेज वर्किंग, ये गलत सोच। पर वो वीडियो तो सिर्फ 2 मिनट का होता है, 3-4 मिनट चाय देने आती हूँ, तो लोग सबको लगता है कि मैं काम ही करती हूँ। स्पेशली मैं 1-2 घंटे आराम भी करती हूँ सुबह में, जो मतलब होता है वो काम वो करते उसमें भी सर हेल्प करते, मैडम भी हेल्प करते, अच्छा भैया भी हेल्प करते, नानू तो बहुत बड़ी हेल्प करती। नानू तो सच में बोलता है, नानू सच में बोलते कि बेटा तू इतना सब काम करती तो मेरा इतना करने में खुद करने में क्या प्रॉब्लम है, मैं कर लूंगी तू टेंशन। इसीलिए नानी एक्टिव रहती है इस उम्र में भी, बिकॉज वो अपना काफी सारा आप काम खुद कर लेती है। 90 अभी अगस्त में हो जाएगी। हमसे ज्यादा वो करती है ना। हाँ सच्ची में मतलब, नानू को मानना पड़ेगा और नानू को ऐसे कि किसी को तकलीफ ना हो। हाँ सबसे ज्यादा भाई मेरे काम की वजह से किसी को तकलीफ ना हो, किसको भी तकलीफ ना हो, मैं मेरा कर लूंगी, मेरे भी हो चलेगी अच्छे से। नानू ऐसा बोलते हैं मैंगोस। सबको पता है मेरी फेवरेट है। पर आपके चेहरे पे स्माइल वो देख के आई थी।
हाँ मैं बहुत सीरियसली वीडियो ले रही थी, है ना। और यहाँ पर ये रखा है अलग से। उस दिन आई कन्विंस परमीत कि ये पानी पूरी कहीं से अगर मिले तो, दुकान पर मिल गई तो वो ले आए। एंड ये भी यहाँ पर डीकंटेमिनेट होने के लिए रखी हुई है। एंड ऑफकोर्स मेरी फेवरेट आम, वो स्पेशल वहां पर रखे हैं शूज जो सिर्फ बाहर जाने के लिए हैं, है ना। है भाग्यश्री, बाहर मतलब लॉकडाउन में, बाहर मतलब बाहर मतलब अगर कोई कुछ लाना हो, राशन या कुछ, हाँ करेक्ट, जो मोस्टली परमीत ओनली डज। ये काफी टाइम से यहाँ पर रखे हुए हैं, जब तक किसी को जरूरत नहीं है तो वी डोंट टच एनीथिंग। दिस होल जोन इज अ डीकंटेमिनेशन जोन, जहां पर मैं दूर से वीडियो ले रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग रियली क्लोज। बट इनमें से आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, जब तक हमारे घर के आम नहीं पकते हैं तब तक हम यही खाएंगे भाग्यश्री। तब तक हमारे घर के आम पक जाएंगे। यस, वैसे तो मैं उनसे अगर ज्यादा टाइम बात करूंगी तो पक जाएंगे। भाग्यश्री इतना उनके साथ बात करने के लिए टाइम नहीं है, तो वो कब के पक के आपको खाने मिलते, पर मैं उनसे बात नहीं करती ना इसलिए। तुझे लगता है कि तेरी बातों से पक जाएंगे लोग? आम पक जाएंगे, लोग नहीं पकते ना, लेकिन लोग नहीं पकते पर आम पक जाएंगे।